As part of the 12th tranche of Rozgar Mela, Minister of State, Micro, Small and Medium Enterprises, Bhanu Pratap Singh Verma, today handed appointment letters to 26 candidates from Nagaland who were selected from Assam Rifle, Postal Service, Railway and Food and Corporation of India at Assam Rifles Training Centre and School, Shukavi in Chumukitima. Prime Minister Narendra Modi virtually distributed more than 1 lakh appointment letters to the newly recruits. Let's have a look at the report. क्षणों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ने वाले हैं और सभी प्रतिभागियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। आपने कड़ी मेहनत से अपनी ये सफलता हासिल की है। मैं आप सभी को और आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूं। युवाओं को भारत सरकार में नौकरी देने का अभियान लगातार तेज गति से चल रहा है। पहले की सरकारों में नौकरी के लिए विज्ञापन जारी होने से लेकर नियुक्ति पत्र देने तक बहुत लंबा समय लग जाता था। इस देरी का फायदा उठाकर उस दौरान रिश्वत का खेल भी जमकर होता था। हमने भारत सरकार में भर्ती की प्रक्रिया को अब पूरी तरह पारदर्शी बना दिया है। इतना ही नहीं, सरकार का बहुत जोर है कि भर्ती प्रक्रिया एक तय समय के भीतर पूरी कर ली जाएगी। बातों को बड़े गंभीरता से लिया और उन्होंने देश को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले उन्होंने चिंता की कि इस देश से भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। उन्होंने जितनी भी योजनाएं दी उन योजनाओं का अगर एक भी पैसा केंद्र से चलता है तो एक पैसा लाभार्थी तक पहुंचता है, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जनधन योजना के अंतर्गत देश के गरीब लोगों के खाते खुलवाने का काम किया था। देखिए, करीब 54 करोड़ गरीब, उन्होंने खाते खुलवाए हैं। आज जिन परिवारों को केंद्र की योजनाओं का लाभ मिल रहा है, चाहे वो आवास योजना हो, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो आयुष्मान भारत करके योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, जो भी योजनाओं का पैसा आ रहा है वो डीबीटी के माध्यम से सीधा का सीधा लाभार्थी के खाते में पहुंच रहा है।